लावा ब्लेज 5G वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 20 5G फ्री फायर बैटरी ब्रेन टेस्ट 100 to 0%। तो गैस मेरे हाथ में है लावा की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ लावा ब्लेज 5G और दूसरे हाथ में है इन्फिनिक्स की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स हॉट 20 5G। आज मैं स्पेशली दोनों ही स्मार्टफोन्स का बजट में आने वाले 5G स्मार्टफोन का कंपेरिजन बेसिस पे फ्री फायर का बैटरी ब्रेन टेस्ट का टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। और चेक करते हैं कि एक्जैक्टली अगर आप इन लावा ब्लेज 5G और इन्फिनिक्स हॉट 20 5G इन दोनों ही स्मार्टफोन में एक साथ अगर आप फ्री फायर गेम को प्ले करते हैं तो ऐसे में दोनों ही स्मार्टफोन 100 to 0% बैटरी को ड्रेन होने में कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे और एक्जैक्टली कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले 0% बैटरी ड्रेन करेगा। तो ये जो दोनों ही स्मार्टफोन से गाइस ये दोनों ही स्मार्टफोन एक तरीके से सेम प्राइस में आने वाले बजट 5G स्मार्टफोन है। लावा की तरफ से जो लावा ब्लेज 5G है ये भी जो था स्मार्टफोन है स्मार्टफोन का प्राइस 11,000 रुपये का है और इन्फिनिक्स हॉट 20 5G का भी जो प्राइस है वो है 11,000 रुपये का। दोनों ही स्मार्टफोन का 11,000 रुपये के 5G बजट आने वाले 5G स्मार्टफोन है और इन दोनों ही स्मार्टफोन को लेकर गाइस मैंने ऑलरेडी एक अनबॉक्सिंग टॉपिक मैंने कवर किया है। तो ये जो बॉक्स है ये है लावा ब्लेज 5G वाले का स्मार्टफोन का और ये जो स्मार्ट बॉक्स है ये है इस इन्फिनिक्स के हॉट 20 5G वाले स्मार्टफोन का। तो ये दोनों स्मार्टफोन को लेकर मैंने अनबॉक्सिंग टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है जिसे आप वीडियो लिस्ट में जाकर इजिली चेकआउट कर सकते हैं। आज बारी है इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके एक फ्री फायर का बैटरी ड्रेन टेस्ट करने के और चेक करते हैं कि एक्जैक्टली दोनों स्मार्टफोन कितने घंटे तक का बैटरी बैकअप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट और वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा गाइस उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में है, वहाँ पर जाकर मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स मैंने कवर किया है। स्पेशली मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर BGMI का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है, यूट्यूब के 4K वीडियो का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है कंपैरिजन बेसिस पे, पब्जी न्यू स्टेट का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है और साथ ही साथ मैंने साउंड टेस्टिंग का भी टॉपिक मैंने कवर किया जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि कौन से स्मार्टफोन का साउंड क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर मिलता है। ये कोई भी टॉपिक्स अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो वीडियो लिस्ट में जाकर आप इसे इजिली चेकआउट कर सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर है साउंड क्वालिटी में और बैटरी ड्रेन टेस्ट में। तो आज के टॉपिक के थ्रू भी आपको आइडिया आ जाएगा कि बैटरी ड्रेन टेस्ट में कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर है। तो अभी बस ये जो दोनों स्मार्टफोन है दोनों स्मार्टफोन्स में जो बैटरी आती है वो है 5000 mAh की। इस इन्फिनिक्स के हॉट 20 5G में भी 5000 mAh की बैटरी है और लावा ब्लेज 5G में भी 5000 mAh की बैटरी है। दोनों स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की बैटरी है और प्रोसेसर की बात करो तो दोनों स्मार्टफोन्स में जो प्रोसेसर है उसमें से इन्फिनिक्स हॉट 20 5G का प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है। इसमें आता है डायमेंसिटी 810 का प्रोसेसर और इसमें आता है डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर। तो परफॉर्मेंस के मामले में कहीं ना कहीं आपको इन्फिनिक्स हॉट 20 5G ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सकता है बिकॉज मैं ऑलरेडी दोनों स्मार्टफोन में कई बार गेम खेल चुका हूं तो मुझे हॉट 20 5G का जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो थोड़ा स्मूथ लगता है लावा के कंपेयर में। लेकिन दोनों स्मार्टफोन एकदम डिसेंट लेवल का आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देंगे। बट यहाँ पर आज बैटरी ड्रेन टेस्ट में आपको एक्जैक्टली आइडिया आ जाएगा गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर और बैटरी बैकअप को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे दोनों स्मार्टफोन में जो गेम है उसे मैंने ऑन कर दिया है और जो गेम है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो अगर कैसे आप दोनों ही स्मार्टफोन्स में फ्री फायर गेम को अगर आप प्ले करते हैं तो फ्री फायर में जो बैटरी होता है बैटरी का ड्रेन होना डिपेंड करता है कि आप एक्जैक्टली गेम को कौन से ग्राफिक सेटिंग्स पर आप प्ले करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दोनों स्मार्टफोन्स का ग्राफिक सेटिंग्स बताता हूँ जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि मैं कौन से ग्राफिक सेटिंग्स पर गेम को प्ले करूँ। तो यहाँ पर जो ग्राफिक मैंने सेट किया है मैक्स ग्राफिक है, रेजोल्यूशन हाई है, शैडो ऑन है और जो FPS है वो भी होगा हाई। तो जो भी सेटिंग मैंने आप अप्लाई किया है पूरा का पूरा मैक्स और हाईएस्ट ग्राफिक पर मैंने सेटिंग को अप्लाई किया, इसी ग्राफिक सेटिंग्स पर मैं दोनों स्मार्टफोन्स में गेम को प्ले करने वाला हूँ और यही सेम टू सेम सेटिंग मैं इस इन्फिनिक्स के हॉट 20 5G में भी अप्लाई करूँगा। तो वो लावा ब्लेज 5G था और यही सेम टू सेम सेटिंग मैं इस इन्फिनिक्स हॉट 25G में अप्लाई करने वाला हूं। डायरेक्ट मैं इसके ग्राफिक सेटिंग्स में जाता हूं एंड यहाँ पर भी सेम टू सेम यही होगा, ग्राफिक मैक्स होगा, रेजोल्यूशन हाई होगा, शैडो ऑन होगा और जो FPS है वो भी होगा हाई। तो जो भी सेटिंग यहाँ पे अप्लाई है पूरा का पूरा मैंने हाईएस्ट और मैक्स लेवल पे अप्लाई किया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि दोनों स्मार्टफोन्स में जो ब्राइटनेस है वो भी मैं ऑलमोस्ट सेम रखने वाला हूँ। तो जो ब्राइटनेस दोनों स्मार्टफोन में रखूंगा वो होगा नियरली 60% का एवरेज ब्राइटनेस दोनों स्मार्टफोन में होगा और इसी ब्राइटनेस सेटिंग्स में दोनों स्मार्टफोन में गेम को प्ले करने वाला हूँ। तो जो साउंड क्वालिटी है गाइस गेमिंग का साउंड क्वालिटी वो आपको लावा ब्लेज 5G में थोड़ा ज़्यादा बेटर मिलेगा। अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में 5000 mAh बैटरी है, दोनों स्मार्टफोन में ग्राफिक सेम है और दोनों ही स्मार्टफोन्स में जो है मैं एक तरीके से हाईएस्ट मैक्स ग्राफिक पे ब्राइटनेस मैंने दोनों स्मार्टफोन का 60% रखा है और इसी ब्राइटनेस लेवल पर मैं गेम को प्ले करने वाला हूँ। तो जो एक्टिविटी है गाइस एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में मैंने यहाँ पर टाइमर भी सेट किया जिससे कि आप एक्टिविटी को ईजिली तरीके से ट्रैक कर पाओ। चुनाव अब यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं लावा ब्लेज 5G वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 20 5G का कंपैरिजन बेसिस पे फ्री फायर का बैटरी टेस्ट 100 to 0%। तो मैं काफ़ी सारा एक्साइटेड हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके फ्री फायर का बैटरी टेस्ट करो तो मुझे भी एक तरीके से आइडिया नहीं है कि दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन कितने घंटे तक का बैटरी बैकअप देगा। तो ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों की तरह।
सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 4 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर जो हमारा लावा ब्लेज 5G है और जो इन्फिनिक्स हॉट 20 5G है, इन दोनों स्मार्टफोन्स में मैंने फ्री फायर का बैटरी टेंटेस्ट स्टार्ट किया था प्योरली 100% से। तो अभी 4 घंटे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी यहाँ पर चेक करते हैं 4 घंटे में इन दोनों स्मार्टफोन्स का करंट बैटरी स्टेटस। तो यहाँ पर जो ऑन एन एवरेज दोनों स्मार्टफोन्स में जो ब्राइटनेस अभी मैंने सेट किया है वो है 60% एवरेज ब्राइटनेस पर मैं दोनों स्मार्टफोन्स में गेम को प्ले कर रहा हूँ। तो गाइस ये है इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का करंट बैटरी स्टेटस। तो लावा ब्लेज 5G का 55% है और इन्फिनिक्स हॉट 20 5G का 41% है करंट बैटरी स्टेटस। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, लावा ब्लेज 5G का है 55% और इन्फिनिक्स हॉट 20 5G का है 41%। वेल टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे अगर मैं बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में कहूँ तो बैटरी परफॉर्मेंस में जो है लावा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, और जो इन्फिनिक्स हॉट 20 5G है ये बैटरी परफॉर्मेंस में कम बेटर जल्दी ट्रेन हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस की और सिस्टम परफॉर्मेंस की, तो ऐसे में इन्फिनिक्स हॉट 20 5G ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस, और लावा ब्लेज 5G इसके कंपेयर में कम कर रहा है। लेकिन दोनों स्मार्टफोन्स अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से एकदम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसका इन्फिनिक्स हॉट 20 5G का पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज इसमें जो प्रोसेसर बिल्ट इन किया गया है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है लावा के कंपेयर में। 810 का प्रोसेसर है और इसमें 700 का प्रोसेसर है, तो इस पॉइंट के हिसाब से इन्फिनिक्स हॉट 20 5G का पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर बैटरी थोड़ा जल्दी जल्दी ड्रेन हो रहा है। बट इन केस जो मुझे अभी तक मुझे गेम खेलने में जो मजा आ रहा है वो इन्फिनिक्स हॉट 20 5G में ज्यादा मजा आ रहा है सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस में। लेकिन जो गेम है साउंड का जो परफॉर्मेंस है वो लावा का ज्यादा बेटर है, साउंड क्वालिटी में लावा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है, लेकिन एक लावा का जो डिस्प्ले साइज है वो बड़ा है, जिसकी वजह से इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस जो गेमिंग कंट्रोलिंग पोजीशन है वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, गेम में कंफर्टेबली प्ले कर पा रहा हूँ बिकॉज लावा का डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पर इन्फिनिक्स 20 5G में मुझे डिस्प्ले साइज के हिसाब से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो, बट इट्स कंप्लीटली वर्थ इट। अगर आप देखोगे तो भी इट्स नॉट बैड दैट मच। तो अभी भी एंड नहीं है, अभी भी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में गेम को कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर फिर से गेम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी टोटली 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं एंड फिर से यहाँ पर जो फ्री फायर का गेम है दोनों स्मार्टफोन्स में कंटिन्यू रहते हैं। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 7.5 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और पिछले 7.5 घंटे से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस लावा के ब्लेज 5G और इस इन्फिनिक्स के हॉट 20 5G वाले स्मार्टफोन में जो फ्री फायर का गेम है वो कंटिन्यूसली बेसिस पे प्ले है। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था प्योरली मैंने 100% से इन दोनों स्मार्टफोन्स में फ्री फायर का बैटरी टेंटेस्ट स्टार्ट किया था, और अभी यहाँ पर टोटली बच चुके हैं 7.5 घंटे, यानी कि टोटली 7.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि मैंने इसको मॉर्निंग में स्टार्ट किया था नियरली कुछ 9 9:30 बजे के आसपास मॉर्निंग में, और अभी यहाँ पर शाम के ऑलमोस्ट 6:15 बजने आ चुके हैं। तो टोटल यहाँ पर जो गाइस है अभी जिसमें से ये जो अभी मैं टाइमर को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और जो हमारा एक स्मार्टफोन है जो कि इन्फिनिक्स का हॉट 20 5G वाला स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन की जो बैटरी है अभी ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुकी है, ओनली लास्ट का 4% यहाँ पे बाकी है। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला स्मार्टफोन है लावा ब्लेज 5G, इसका बैटरी अभी भी यहाँ पे बाकी है जो कि 16% है। तो नियरली यहाँ पर देखे तो दोनों स्मार्टफोन्स ने ऑलमोस्ट सेम ही बैटरी बैकअप दिया है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि है इन्फिनिक्स, जो आधे घंटे का आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। लावा ब्लेज 5G में अभी भी 16% का बैटरी बाकी है, लेकिन जो इन्फिनिक्स का हॉट 20 5G वाला जो स्मार्टफोन है इसकी बैटरी अभी ऑलमोस्ट 0% ड्रेन हो चुकी है, और ये लास्ट का 4% यहाँ पे बाकी है। तो नियरली देखे तो लावा ब्लेज 5G का जो बैटरी बैकअप है थोड़ा आपको ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर अगर अभी भी मैं इस लावा ब्लेज 5G में गेम को कंटिन्यू रखूँ तो ये और आधे घंटे का बैटरी बैकअप देगा, आधे घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप भी देने वाला नहीं है। तो लावा ब्लेज जी आपको नियरली 8 घंटे का बैटरी बैकअप देता है, और इन्फिनिक्स हॉट 20 5G यहाँ पर 7.5 घंटे का बैटरी बैकअप मुझे इस दोनों स्मार्टफोन्स ने दिया है। बट आपके केसेस में यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैटरी बैकअप और कम मिल सकता है, उसके पीछे रीजन ये है बिकॉज आप इसको एज अ परमानेंट स्मार्टफोन यूज करने वाले हो, राइट? तो मैं इन दोनों स्मार्टफोन को एज अ परमानेंट स्मार्टफोन यूज नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स में अभी तक कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा है, पूरा का पूरा मोबाइल अभी खाली है, और जिसके बेसिस पे पावर कंजम्पशन यहाँ पे कम था, और जितना पावर कंजम्पशन कम होता है उतना बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है और बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होता है। तो ये दोनों स्मार्टफोन अभी पूरी तरीके से दोनों स्मार्टफोन न्यू
है, इनके अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, कोई भी वीडियोस, कोई भी ऑडियोस को मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके नहीं रखा है, सिर्फ एक फ्री फायर का गेम एप्लीकेशन मैंने इसके अंदर डाउनलोड करके रखा है, जिसके बेसिस पे दोनों स्मार्टफोन्स ने बैटरी बैकअप मुझे 7.5 और 8 घंटे का दिया, लेकिन आपके केसेस में आधा एक घंटे का बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा, दैट्स इज ऑल अबाउट। और जितने जितना आप यूज करते जाओगे 6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद, आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स में बैटरी बैकअप का जो ट्रेन है वो आपको ज्यादा देखने मिलेगा, बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा, बिकॉज जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं वैसे वैसे रैम, प्रोसेसर, बैटरी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते जाता है, तो उनकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है। और आज के टाइम में जो भी स्मार्टफोन्स बन रहे हैं 10 से 12 हज़ार रुपये के रेंज में, जो 12 हज़ार वाले जो स्मार्टफोन जो भी बन रहे हैं आज के डेट में, उनमें आप उनकी जो लाइफ होती है मैक्स टू मैक्स 3 साल तक की उनकी लाइफ होती है, 3 साल के बाद फिर स्मार्टफोन्स में बैटरी का इशू, सॉफ्टवेयर का इशू होना स्टार्ट हो जाता है, हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट के हिसाब से अब ये स्मार्टफोन्स आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो मेरे पॉइंट के हिसाब से दोनों ही, अगर आपका बजट ही 11-12 हज़ार का है, 11-12 हज़ार में अगर आप 5G स्मार्टफोन देख रहे हैं, तो ऐसे मैं इन दोनों स्मार्टफोन को रिकमेंड कर सकता हूँ। अब मुझे दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद है, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं, बट इन सम टर्म अगर आपको गेमिंग में बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग में सिर्फ गेमिंग की बात करूँ मैं, तो आप इन्फिनिक्स हॉट 25G के लिए जा सकते हो। और अगर आपको स्टोरेज, अगर आपको साउंड ज़्यादा चाहिए, तो लावा ब्लेज में आपको स्टोरेज ज़्यादा मिलता है, 128 GB का स्टोरेज मिलता है, और प्रोसेसर इसमें कम आता है इस इन्फिनिक्स के कंपेयर में, लेकिन साउंड क्वालिटी के मामले में लावा आपको ज़्यादा बेटर देगा। तो मैंने स्पेशली इन्फिनिक्स हॉट 25G और लावा ब्लेज 5G को लेकर एक साउंड टेस्टिंग का टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किया, जिससे आप वीडियो लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये था इस लावा ब्लेज 5G वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 25G का एक कंपैरिजन बेसिस पे फ्री फायर का बैटरी टेंट है, जिसमें लावा ब्लेज ने 8 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है फ्री फायर में, और इन्फिनिक्स हॉट 25G ने 7.5 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है, दैट्स इज ऑल अबाउट। टॉपिक एंड करने से पहले गाइस एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट वीडियोस वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा, उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में है, वहाँ पर जाकर पहले सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब मैं सेकंड यूट्यूब चैनल।